आप ताई साहब भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इसाक लोन, मैं गगड़िया का रिवासी हूँ। तकरीबन हमें ना जब से बर्फ़ गिरी है 4 दिन हो गए हैं और कोई भी गाड़ी इस तरफ मूवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है। परेशानियाँ बहुत है यहाँ के लोगों की। ये देखिए, ये पेशेंट है, हैंडीक्रैप है, ये पुंछ से आ रहा है लेकिन सऊदीया से पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं बड़ी मुश्किल से। और बर्फ़ गिरने से हमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है कि रोड है ना, रोड पर कोहरा लगा हुआ है, कोहरे की वजह से कोई गाड़ी आमदोरफ्त के लिए सब बंद है। लेकिन हमें है ना, ये इंतज़ामिया से गुजारिश है कि अगर उसके लिए हर साल एक पैकेज होता है रोड क्लियर करने के लिए, खाद है, नमक है, वो क्यों नहीं डाल रहे हैं, उस रोड को क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी समूह नहीं, कोई बस नहीं, कोई लोकल प्राइवेट कार कुछ भी नहीं है। कम से कम 8 किलोमीटर कटा हुआ है, इसमें जितनी भी बस्ती है तकरीबन 20,000 लोग हैं, वो जाएंगे कहाँ। दूसरी बात होगी, हमारे को सब्जियां चाहिए, सब्जियां कहाँ से आएंगी। कोई सब्जी की गाड़ी आती है वहाँ पर बंद, वहाँ से कोई आने नहीं दे रहा, कोई पुलिस स्टेशन से आगे। दूसरी बात, हमारे पास और एक पेशेंट है, देखिए अभी इनको उठा के लाए तकरीबन 4 किलोमीटर से ये पेशेंट है, इनको जम्मू जाना है, पहुँचाना है कैसे भी, किस हिसाब से ले जाएंगे, कितना उठाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, इस यहाँ के लोग वो तो सोचिए। ये पेशेंट है, अगर इनको सही वक्त पे दवा नहीं मिली, इनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो इनको इनकी जान को खतरा है। हम किससे रिक्वेस्ट करें, अगर इंजीनियर है इसके लिए, पैकेज होता है हर साल, रोड क्लियर करने के लिए बंदा आता है मशीन लेकर, लेकिन उसके पास में देखो बाकी जगह, देखो वहाँ भी, बाकी दुनिया में बहुत जगह है, पूरी वर्ल्ड में बर्फ पड़ती है, वहाँ नहीं चलती है रोड, वहाँ गाड़ियाँ बंद हो जाती है क्या, नहीं होती है। यहाँ पर तो एकदम क्लियर है, अगर आधा किलोमीटर तकरीबन 400 मीटर पे खाली कोहरा लगा हुआ है, उसके लिए तो गवर्नमेंट के पास नमक होता है, नमक डालते हैं। अगर ग्रिप के अंडर इससे पहले होती थी रोड, तब ये क्लियर होती थी, आज ये प्राइवेट कंपनियों के अंडर है, वो कहाँ है कंपनियाँ, वो क्यों नहीं रोड को मेंटेन करती है बराबर से। मैं यही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट इंतजामिया से, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, कि हमारा देखिए, हमें देखिए, क्योंकि हमारे पेशेंट्स, अभी हमने एम्बुलेंस को भी कॉल की है, हो सकता वो आएगी, छोड़ेंगे उसको नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे उसका तो भरोसा नहीं है। लेकिन कोई अगर यहाँ तक भी आ सकती है ना एम्बुलेंस, तो बहुत बड़ी बात होती है। वो क्यों नहीं आ रही है, बाकी आर्मी की गाड़ियाँ चल रही है, BSF की गाड़ियाँ चल रही है, ग्रिफ चल रही है, बाकी प्राइवेट जो भी गाड़ियाँ हैं वो सावजिया पुलिस स्टेशन से, वहाँ से रोका गया है कि यहाँ नहीं जाना है भाई, एक्सीडेंट का आप लिख कर दे दो। कौन आदमी लिख कर दे देगा उनको, वो चलेगा। आप रोड क्लियर कराओ ना, काम क्या है, गवर्नमेंट का काम होता है कि इंतजामिया का काम। बशीर साहब, जो एक दो दिन से यहाँ पर बर्फ पड़ा था आपकी, 4 दिन क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, लोग बहुत परेशान है, कोई पेशेंट है किसको जम्मू जाना है, या उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। अब देखो कि हमने बहुत सी प्रॉब्लम यहाँ पे, थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी, अभी तो बर्फ़ का वो उतना नहीं है, तो अभी देखो कि हमने पेशेंट ओडीपुरा तकरीबन 5 किलोमीटर उठा कर लाया यहाँ रोड पे, बहुत सी प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों के। अब थोड़ी सी बर्फ़ पड़ती है, हम लोगों की बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, कोई पेशेंट ऐसा, कोई गाड़ी का कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज 3 दिन से थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी, गाड़ी का बिल्कुल कोई नोम निशान नहीं है। अब अगर देखो जाएगी यहाँ का मौसम के हिसाब से, तो यहाँ तो फिर पेशेंट का बड़ा मुश्किल है। मतलब अभी देखो हमारे पास यहाँ पेशेंट पड़ा है, इसको तकरीबन रात पूरा दिन, इसको पूरी रात को बैठा रहा, इसको अगर अब यहाँ का कोई गाड़ी का अरेंजमेंट होता था, कोई गाड़ी का प्रोग्राम होता था, हो सकता हमने रात को इसको मतलब जम्मू या पुंछ में पहुँचाया होता था। ऐसे परसों लड़की को हुआ रात को गाड़ी नहीं मिली। इससे पहले भी मतलब इस थोड़ी सी बर्फ पड़ी यहाँ पे, तो पहले भी एक लड़की ऐसी मतलब जब उसका मतलब कोई गाड़ी नहीं लगी, कोई इलाज नहीं हुआ, रात को उसको तकरीबन 1 बजे उसकी डेथ हुई। उसकी उम्र कितनी थी अभी, कोई 25-30 साल थी। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए यहाँ कोई इंतजाम ऐसा बनाए कि जिससे हमारा रोड चालू रहे, रोड जो है जो 12 महीने तक रोड चालू रहे। अब तो यहाँ थोड़ी बर्फ, मैं चौकी अफसर सावजिया से भी मोदवाना गुजारिश करता हूँ कि वो वहाँ पे तकरीबन मतलब अगर कोहरा भी है तो ये ग्रिप ये किस लिए, मतलब आर्मी की गाड़ी चल रही है, चलो नमक डाले जहाँ पे मुश्किलात हो रहा है। आज तो गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी सी स्कीमें हैं, क्या थोड़ा सा कोहरा लग जाए तो फिर क्या, यहाँ के जो बैकवर्ड इलाके के लोग हैं
इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है रात को, कोई दिन को बीमार हो जाता है। अब हमें 10-10 किलोमीटर जो है पेशेंट को उठाना पड़ता है। अभी देखो चार पाए पे हमारे पेशेंट है, कल दिन से बेचारा ये ऐसे ही, मतलब अब इसकी जान तो मेरे ख्याल खतरे में है, अगर 2 या 3 घंटे और रह जाए तो इसकी मेरे ख्याल जान चली जाएगी। मैं गवर्नमेंट इंतजाम से यही गुजारिश करता हूँ कि मतलब अगर यहाँ के लिए कुछ ऐसी सहूलियत की जाए कि जहाँ से लोगों को भी कोई राहत मिले। ओके, शुक्रिया।